नमस्कार। हमारे हिंदुस्तानी खाने की कई खासियतें हैं। इसमें कॉम्बिनेशंस बहुत है, जैसे कि स्वाद और सेहत का, जायका और खुशबू का, साइंस और आर्ट का भी। तो चलिए आज इस साइंस और आर्ट से एक रेसिपी बनाते हैं जो खाने में मीठी और देखने में लाजवाब है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ उमंग फ्रॉम बावलीस किचन और माँ अन्नपूर्णा जी के आशीर्वाद से आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी घेवर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो एकदम आसान वाला घेवर का बैटर कैसे बनाते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जार में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। साथ ही में इसमें 2 क्यूब बर्फ ऐड करेंगे। आइस से क्या होगा, घी जो है वो अच्छे से जम जाएगा। अब मिक्सी जार को करेंगे बंद और अच्छे से 2 से 3 बार घुमा लेंगे। अब इस स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है कि बर्फ का कोई टुकड़ा या पानी छूट ना जाए, सब निकाल लेना है। अब हमें इसमें 1/2 कप मैदा धीरे धीरे 3 बैचेस में डालना है। तो पहला बैच डालकर बस थोड़ा मिक्सी घुमाना है। इसके बाद 2nd बैच भी डालकर थोड़ा घुमाना है। आखिर में लास्ट बैच और 1 बड़ा चम्मच बेसन भी ऐड कर देना है। अब बेसन ऐड करने के बाद फिर से मिक्सी को चलाना है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर रेडी है और ये इस तरह क्रम्बली लगना चाहिए, ना के गूंदे हुए आटे की तरह। अब इसमें पानी ऐड करना है और वो भी चिल्ड। तो 1.5 कप जितना बर्फ का पानी बनाएंगे और उसको भी इस बैटर में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे घेवर का सिंपल और परफेक्ट बैटर तैयार। तो अब इसे एक बोतल में डाल देना है। अगर आपके पास ऐसी बोतल नहीं है तो आप किसी भी बाउल में भी डाल सकते हो। आप चाहे बोतल में रखें या कोई भी बाउल में, लेकिन इसको फ्रिज में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बारी आती है घेवर को तलने की। तो एक पैन में तेल या घी लेना है, उसमें रखेंगे 1 मोल्ड। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो छोटा वाला भगोना ले लीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इस बोतल से धीरे धीरे करके बैटर गिरना चाहिए। बैटर गिरने के बाद ऊपर तक जाग आ जाए तब रुकना है और जाग बैठने के बाद दोबारा वही प्रोसेस करते जाना है और ये प्रोसेस कम से कम
6 से 7 बार करना है। एक बार ये जाला बन जाए तब एक बेलन ले लीजिए और बेलन से बीच में एक होल बना लीजिए और फिर से बैटर को गिराना है। आपको ये पूरा प्रोसेस 12 से 15 बार करना है ताकि घेवर की हाइट भी अच्छे से आ जाए। एक बार ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो बेलन ले लीजिए और हल्के हाथों से निकाल लेना है। है ना बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका। अब बनाएंगे घेवर के ऊपर जाने वाली चाशनी और रबड़ी। तो चाशनी बनाने के लिए लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी और उतना ही पानी। आप देख सकते हो हमारी एक तार वाली चाशनी बन गई है, तो इसे भी एक कप में निकाल लेंगे। और अब लास्ट में बनाएंगे रबड़ी। तो पैन में 1/2 से 1 लीटर दूध ऐड कर दीजिए। रबड़ी का अच्छा टेस्ट और स्मेल के लिए डालेंगे 5 से 7 हरी इलायची का पाउडर। साथ ही में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी। बीच बीच में चलाते रहना है और इसे एक उबाल पे ले आना है। एक उबाल आ जाए तब फ्लेम लो कर देना है और हल्के हाथों से तब तक चलाना है जब तक हमारा दूध 1/3 पे आ जाए, यानी कि दूध रबड़ी की तरह गाढ़ा हो जाए। और ये हो गई हमारी लच्छेदार गाढ़ी रबड़ी तैयार। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। अब आखिर में घेवर को असेंबल करते हैं। कहीं मत जाइए, देखते ही जाइए, अभी तो मजा आने वाला है। तो ये बन गया हमारा सिंपल, इजी और हलवाई जैसा घेवर तैयार, और उसके ऊपर की चाशनी और उसके ऊपर की रबड़ी भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।